नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बिग अपडेट के बारे में, जिसको जानने के बाद काफी लोग टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन उस टेंशन का सोल्यूशन भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला, तो वीडियो को कर दीजिए आप इसे लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही ऑथेंटिक और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसे कि जिस अपडेट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो सीधे सीधे आपके पॉकेट से जुड़ी है, यानी आपका खर्चा जो है वो बढ़ने वाला है, और सीधा सीधा उसका कनेक्शन आपके मोबाइल से है। चाहे एक प्रीपेड यूजर हो या फिर आप पोस्टपेड यूजर हो, दोनों के लिए आपका खर्चा एक तरीके से प्लस होने वाला है। यानी अगर आप कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, चाहे मोबाइल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें डाटा यूज करते हैं, या फिर आप टेली कॉलिंग करते हैं, मोबाइल पे कॉलिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई टेलीकॉम कंपनी की सर्विस यूज़ करनी पड़ती है, चाहे वो प्रीपेड सर्विस हो या फिर पोस्टपेड सर्विस वो, चाहे जियो कंपनी की हो या फिर एयरटेल कंपनी की। तो दोनों कंपनीज का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, उसके अकॉर्डिंग 3 जुलाई 2024 से सभी के जो रिचार्ज प्लान थे वो चेंज कर दिए गए हैं, और उनके अंदर 12 से 25% तक का रेट अमाउंट बढ़ा दिया गया दोस्तों। यानी ₹600 तक का आपके रिचार्ज के अंदर प्लस कर दिया गया है, जिसका सीधा सीधा असर आपके पॉकेट पे पड़ने वाला है। लेकिन अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखने वाले हो तो इसके लिए मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसको जानने के बाद कम से कम फर्स्ट टाइम यानी एक साल के रिचार्ज के अंदर जो बढ़ी हुई रेट है आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, और जो करंट प्लान्स है उन्हीं के अंदर आप रिचार्ज करके अपना एक्स्ट्रा खर्चा होने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एयरटेल और जियो दोनों ऑपरेटर्स की, यानी कौन कौन सी प्लान पहले किस किस रेट के अंदर हमें मिल रहे थे, और अभी 3 जुलाई 2024 से वो प्लान कौन से रेट के अंदर हमें मिलने वाले हैं। तो दोनों का कंपैरिजन हम यहाँ पे एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले हम जियो की बात करते हैं, तो उसके लिए मैं जियो की नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, जिसके अंदर आपको पूरा ब्रीफली हर प्लान का डिटेल मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, जैसा कि आपको काफ़ी सारी न्यूज़ के अंदर भी ये देखने को मिला होगा कि एयरटेल और जियो के जो रिचार्ज प्लान है 3 जुलाई 2024 से चेंज होने वाले हैं, उनके अंदर काफ़ी सारी रेट बढ़ चुकी है। तो जैसे कि आप ये जियो का नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि जो जियो की रिचार्ज प्लान अमाउंट रेट थी वो 3 जुलाई से बढ़कर काफ़ी अलग होने वाली है, जो कि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कौन कौन सा प्लान कितना कितना अमाउंट से बढ़ चुका है। ये 27 जून का लेटर आप यहाँ पे देख रहे हैं, काफ़ी सारी इसके अंदर डिटेल्स है, अगर इनको अपन ब्रीफली पढ़ दे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। लेकिन नॉर्मल हम पहले की रेट और अब नई रेट के अंदर तुलना करें कि किस रिचार्ज अमाउंट में कितना रुपये बढ़ चुका है, तो उसके लिए सबसे पहले मंथली प्लान की बात करते हैं, जो कि 155 का रिचार्ज होता था और 28 दिन का, वो 155 की जगह 189 रुपये का होगा, यानी इसके अंदर सीधे सीधे 34 रुपये बढ़ा दिए। ऐसे ही अगर 209 रुपये का रिचार्ज था तो उसके अंदर 249 रुपये कर दिए गए, यानी सीधा सीधा 40 रुपये इसके अंदर बढ़ा दिया। वैसे ही 239 का जो रिचार्ज होता था 1.5 GB पर डे वाला, उसको 60 रुपये बढ़ाकर 299 रुपये का कर दिया, और 299 का जो रिचार्ज था उसको 50 रुपये बढ़ा के 349 रुपये कर दिया। वैसे ही जो 349 रुपये का रिचार्ज था और वो 50 रुपये बढ़ा के 399 का कर दिया, और जो 399 का रिचार्ज था दोस्तों उसको 449 का कर दिया। यानी लगभग 50 रुपये एवरेज इसने यहाँ पे मंथली प्लान में बढ़ा दिए हैं। और अगर बात करें 2 मंथ वाले प्लान की, तो जो 479 का रिचार्ज था उसको 579 कर दिया, यानी 100 रुपये बढ़ा दिया, और वैसे 533 का जो रिचार्ज था उसमें 96 रुपये बढ़ा के इसने 629 का कर दिया, यानी 2 महीने वाले में इसने 100 रुपये बढ़ा दिए और 1 महीने वाले में 50 रुपये। और ऐसे ही बात करें 3 महीने वाले प्लान की, तो जैसे 666 का जो रिचार्ज था 1.5 GB पर डे का, उसमें 133 रुपये बढ़ा के 799 का कर दिया, और जो 719 का हम रिचार्ज कराते थे 84 दिन का 2 GB पर डे का, उसमें 140 बढ़ा के 869 रुपये कर दिए, और जो 999 रुपये 3 GB पर डे का पैक था वो अब 999 की जगह 1199 कर दिया, यानी सीधे सीधे 200 रुपये बढ़ा दिए दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हो उसने मंथ के हिसाब से भी अमाउंट के अंदर इंक्रीमेंट किया है, यानी 50 रुपये 1 महीने वाले में, फिर 2 महीने वाले प्लान में 100 रुपये, फिर 3 महीने वाले में यहाँ पे 200 रुपये तक इसने बढ़ा दिए। ऐसे एनुअल प्लान भी जो 2999 का था उसने 3599, यानी 600 रुपये इसने साल के बढ़ा दिए कुल मिला के। और डाटा रिचार्ज की बात करें तो जो 15 रुपये का पैक था वो 19 रुपये में कर दिया,
जो 399 में 75 GB आता था उसको 399 से 449 कर दिया, यानी इसके अंदर भी सीधे सीधे 150 रुपये इसने बढ़ा दिया डाटा की। और जो हमें 5G यहाँ पे फ्री मिलता था अनलिमिटेड, वो अब आपको नहीं मिलेगा, वो उसी को मिलेगा जो 2 GB वाला पैक का रिचार्ज कराता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यानी अगर आपके मोबाइल में 2 GB पर डे वाला रिचार्ज किया हुआ है तभी आपको अनलिमिटेड 5G जो है वो फ्री मिलेगा। अगर आपके रिचार्ज नहीं किया हुआ तो आपको 5G की फ्री सर्विस नहीं मिलेगी। और ऐसे ही हम दोस्तों बात कर रहे हैं एयरटेल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके अंदर हर एक प्लान की रिवाइज रेट के साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, और उसके अंदर हम देख के सारा कंपेयर करेंगे कि पहले कौन सा प्लान था और अब उसको कितने अमाउंट से प्लस करके चेंज कर दिया गया है। तो उसके लिए मैं फिर से ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे कि जियो ने 27 जून को अनाउंसमेंट किया, उसके दूसरे ही दिन जून 28 को एयरटेल ने भी अपना अनाउंसमेंट कर दिया प्रेस रिलीज करके, और ये इसमें डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे जो एयरटेल के भी प्रीपेड और पोस्टपेड रिचार्ज है उनकी भी रेट 3 जुलाई 2024 से इंक्रीज होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो उसमें भी आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं कौन कौन से प्लान में कितने रुपए बढ़ा, ये हमारी पुरानी रेट है और यहाँ पे रिवाइज रेट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो अनलिमिटेड हमारा कॉलिंग प्लान था 179 179 रुपये का, उसमें 20 रुपये बढ़ा के 199 कर दिया उसको, और जो 455 रुपये का 84 दिन का पैक था उसको 455 से 509 रुपये यानी 54 रुपये इसके अंदर बढ़ा दिए, और 1799 वाले रिचार्ज को 1999 यानी 200 रुपये इसने यहाँ पे बढ़ा दिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो नॉर्मल प्लान्स रहते हैं, जैसे 299 का था उसको 349 का कर दिया यानी 50 रुपये इसके अंदर बढ़ा दिए, 399 का जो प्लान था उसको 449 का कर दिया यानी 50 रुपये इसके अंदर भी बढ़ा दिए, और जो एवरेज पैक थे जिसको ज़्यादा कॉमन यूज़ करवाते थे जैसे 479 का है 549 का है उनमें 100 रुपये बढ़ा दिए, यानी 479 का इसने 579 कर दिया, 549 का 649 कर दिया, और जो ईयरली 299 रुपये का था 365 दिन का उसको इसने 3599 यानी 600 रुपये बढ़ा दिया दोस्तों। तो कुल मिला के 50 से 600 रुपये तक का रिचार्ज प्लान में चेंज कर दिया गया है। और वैसे ही नॉर्मल जो डाटा पैक है 19 रुपये का एक दिन का जो हमें 1 GB मिलता था वो 19 की जगह अब हमें 22 रुपये का मिलेगा, और जो 65 रुपये में 4 GB मिलता था वो अब आपको 77 रुपये में मिलेगा। और एयरटेल ने प्रीपेड के साथ साथ पोस्टपेड में भी रेट अपनी बढ़ा दी है, यानी 399 का जो प्लान मिलता था जिसमें 40 GB नेट मिलता था उसको 399 से 449 कर दिया यानी 50 रुपये इसमें बढ़ा दिए, जो 499 का पैक था उसको 549 का कर दिया यानी 50 इसमें भी बढ़ा दिए, और जो 599 का रिचार्ज प्लान था 2 महीने का 2 कनेक्शन का उसको भी 699 कर दिया, और जो 999 था उसको 1199 यानी सीधे सीधे 200 रुपये बढ़ा दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना चाहते हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको 2 जुलाई 2024 से पहले पहले एक एक्स्ट्रा रिचार्ज कर लेना है, चाहे आपका प्रीपेड या पोस्टपेड का पहले का रिचार्ज एक्सपायर हुआ हो या फिर ना हुआ हो। अगर आप 2 जुलाई 2024 से पहले रिचार्ज करते हैं तो आपको प्रेजेंट रेट वाले ही अमाउंट पे करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 1 साल का प्लान पहले ही रिचार्ज कर लेते हैं 2 जुलाई से पहले ही तो आपको 600 रुपये तक का फ़ायदा हो जाएगा। जल्दी से जल्दी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और कोशिश रहे कि हम 2 जुलाई से पहले अपना रिचार्ज कर सके ताकि एक बार जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो हम बचा सके, क्योंकि उसके बाद तो आपको फिर एक्स्ट्रा जो रिवाइज प्लान आया है उसके अंदर एक्स्ट्रा पैसे दे के वो रिचार्ज करना ही पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम आप ये एक्स्ट्रा पैसा बचा सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, धन्यवाद।